गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड कंप्यूटर ऑफ क्लास फर्स्ट लेसन वन। चैप्टर वन, नेम ऑफ द चैप्टर कंप्यूटर ए मैजिक मशीन, यानी कंप्यूटर एक जादुई यंत्र। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आई एम अ कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर हूँ। योर मैजिक मशीन, आपकी मैजिक मशीन यानी जादुई यंत्र। हेयर इज द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का पिक्चर है। मॉनिटर, CPU, this is the keyboard and this one is mouse. But I am different from you, परंतु मैं आपसे अलग हूँ। I am a machine, मैं एक मशीन हूँ। Not a living being, यानी मैं एक मानव नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक यंत्र हूं, मशीन। अ मैजिक मशीन, एक जादुई यंत्र यानी जादुई मशीन। विच नेवर गेट्स टायर्ड, जो कभी थकता नहीं है। वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट योर मैजिक मशीन, क्या आप अपने मैजिक मशीन के बारे में और जानना चाहते हैं? चलिए जानते हैं। Some other man-made machines and their functions, यानी कुछ और मानव द्वारा निर्मित मशीन और उनके कार्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर है, आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, फ्रिज जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। देखते हैं रेफ्रिजरेटर क्या करता है। रेफ्रिजरेटर इज अ मशीन इन विच वी स्टोर ईटेबल्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स एंड मैनी अदर थिंग्स टू कीप देम न्यूट्रियस एंड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि रेफ्रिजरेटर भी यानी फ्रिज भी एक तरह से मशीन है, जिसका इस्तेमाल हम इसमें खाने वाली चीजों को रखने के लिए करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, मिल्क यानी दूध, कोल्ड ड्रिंक्स एंड मैनी अदर थिंग्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स और भी कई तरह की चीजें हैं जिसको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। किस लिए रखते हैं? टू कीप देम न्यूट्रियस एंड फ्रेश फॉर अ longer पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसलिए कि फ्रिज में रखने से ये सारे फल, सब्जियां या जो भी वस्तु हम फ्रिज में रखते हैं वो फ्रेश रहे और पौष्टिक रहे, यानी उसकी पौष्टिकता बनी रहे और फ्रेश रहे हमेशा। नेक्स्ट है ट्रेन। द ट्रेन इज अ मशीन दैट रन्स ऑन अ ट्रैक and carries passengers and goods to different places in a short period of time. यानी ट्रेन क्या है? ट्रेन भी एक मशीन है, यानी ये भी एक तरह से यंत्र है जो ट्रैक के ऊपर चलता है, एक पाथ के ऊपर चलता है। और इसका क्या काम होता है? ये पैसेंजर्स को यानी सवारियों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करता है, पर ये सवारी को या सामान को बहुत ही जल्दी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। नेक्स्ट इज एरोप्लेन। एन एरोप्लेन इज अ मशीन दैट फ्लाइज इन द एयर एंड
carries passengers, goods, and mails from one to another, from one place to another. यानी एरोप्लेन का काम क्या है, ठीक ट्रेन की तरह ये भी मशीन ही है जो हवा में उड़ती है और ये सवारियों को या किसी भी सामान को या मेल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है. नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन यानी कपड़े धोने वाली मशीन. वॉशिंग मशीन इज अ मशीन यूज टू वॉश डर्टी क्लॉथ क्लीन. यानी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल गंदे कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है. आपने भी वॉशिंग मशीन देखा होगा, आपके घर में भी होगा. यानी ये हमारे काम को और आसान बना देता है और हमारे गंदे कपड़ों को बिल्कुल साफ कर देता है. वी आर ह्यूमन बींग्स नॉट मशीन्स. यानी हम मानव हैं, मशीन्स नहीं हैं. वी आर द क्रिएशन ऑफ नेचर. हम प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं. नाउ ऑल मशीन्स हैव सम कॉमन थिंग्स. यानी सभी मशीनों में कुछ जरूरी बातें एक जैसी होती हैं. जैसे दीज आर मैन मेड मशीन्स. यानी जो मशीन्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, वो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं. मशीन्स वर्क फास्टर एंड मेक आवर जॉब ईजियर. यानी मशीन्स क्या करती है, बहुत तेज गति से काम करती है और हमारे काम को आसान बनाती है. मोस्ट ऑफ द मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ज़्यादातर मशीन्स जो होती हैं, ज़्यादातर यंत्र बिजली पर चलते हैं. मशीन्स सेव आवर टाइम एंड एनर्जी. मशीन्स हमारे समय और हमारी ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं. सम वे अ कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन. कुछ तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर भी एक मशीन है. देखते हैं कैसे. द कंप्यूटर विच इज केप्ट ऑन अ डेस्क इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. यानी ऐसा कंप्यूटर जिसको हम डेस्क के ऊपर रखते हैं, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं. इट फॉलोज आवर इंस्ट्रक्शंस. यानी ये हमारे निर्देशों को फॉलो करता है. जो हम इसे ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी के हिसाब से काम करता है. इट डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. यानी कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता जब तक हम इसको कोई इंस्ट्रक्शंस ना दें. इट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड लाइक वी डू. यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और कभी बोर नहीं होता, जैसे कि हम बोर हो जाते हैं या किसी काम को करते करते थक जाते हैं. इस तरह से कंप्यूटर कभी नहीं थकता है. इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स. ये कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता. इट वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है. इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ये बिजली पे चलता है. इट कैन रिमेम्बर मैनी थिंग्स स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइस. और ये काफ़ी चीज़ों को याद रखता है. यानी हम इसके स्टोरेज डिवाइस में जो भी चीज़ स्टोर करें, जो भी चीज़ सेव करें, उसको जब तक वहाँ से मिटाया ना जाए तब तक वो उन बातों को याद रखता है. नेक्स्ट, समरी. समरी देखते हैं क्या है. मशीन्स सेव आवर टाइम एंड एनर्जी. मशीन क्या करते हैं, हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं. कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर एक मशीन है. मशीन्स वर्क फास्टर एंड मेक्स आवर जॉब ईजियर. मशीन बहुत तेज गति से काम करता है और हमारे काम को आसान बनाता है. मशीन्स आर मैन मेड. मशीन्स मानव द्वारा बना है. मोस्ट ऑफ द मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. और ज़्यादातर मशीन बिजली पे चलते हैं, बिजली पे काम करते हैं.